perfume. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उनकी मसल्स पढ़ी थी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से ऑर्गन हैं, ब्लड सप्लाई कैसे होती है, नर्व सप्लाई कैसे होती है, ये सारी चीजें अपन ने क्या है डिस्कस कर ली थी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? माउथ। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि नर्व सप्लाई ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर क्या है, नर्व सप्लाई कैसे होती है। तो अगर अपन नर्व सप्लाई की बात करें तो अपनी नर्व सप्लाई कैसे होती है, इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के द्वारा क्या है, अपनी जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसके अंदर क्या है, नर्व सप्लाई होती है। ऑटोनॉमिक में क्या होता है, अपनी जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है वो दोनों के दोनों टाइप से क्या है, अपनी नर्व सप्लाई होती है। पैरासिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है, वन पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व, ठीक है। एक पेयर क्या है, क्रैनियल नर्व होती है जो क्या करती है, अपनी जो पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो करवाती है। देन आफ्टर क्या है, अपनी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, इट द सिंपैथेटिक इज प्रोवाइड बाय द न्यूमेरियस नर्व विच इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन द थोरेसिक एंड लंबर रीजन। जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी क्या है, अपनी नर्व होती हैं जो कहाँ पे जाके इमर्ज हो जाती हैं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड, थोरेक्स और लंबर रीजन जो है वहां पे जाके क्या है वो इमर्ज हो जाती हैं। फंक्शन क्या कर होता क्या है यहाँ पे, देयर इज ए एक्शन इज टू रिड्यूस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड ग्रेनुलर सिक्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा और जो अपना ग्रेनुलर सिक्रेशन है वो होगा। दीज फ्रॉम द फ्लेक्सेस इन द थोरेक्स एब्डोमेन एंड पेल्विस फ्रॉम विच नर्व पास टू द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। यानी कि क्या है, सिंपैथेटिक के अंदर क्या है, बहुत सारी क्या है नर्व होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी नर्व सप्लाई करती हैं और वो कहाँ पे जाके इमर्ज हो जाती हैं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड, थोरेसिक एंड लंबर रीजन पे जाके क्या है इमर्ज हो जाती है। और फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, देयर इज ए एक्शन इज टू रिड्यूस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड ग्रेनुलर सिक्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या है कॉन्ट्रेक्शन होगा और ग्रेनुलर सिक्रेशन होगा। तो नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो नर्व सप्लाई कैसे होती है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के द्वारा क्या है अपनी नर्व सप्लाई होती है, जिसके अंदर क्या है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक दोनों टाइप से क्या है नर्व सप्लाई होती है। जो पैरासिंपैथेटिक है वो कौन करता है, वन पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व, क्या है अपना जो क्रैनियल नर्व है वो क्या है नर्व सप्लाई कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, सिंपैथेटिक के अंदर क्या है न्यूमेरियस नर्व, यानी कि बहुत सारे नर्व होती हैं जो क्या करती है नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे जाके इमर्ज जाती हैं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरेसिक एंड लंबर रीजन में जाके क्या है वो अपने इमर्ज हो जाती है। फंक्शन क्या है इनका, द एक्शन इज टू रिड्यूस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है, कम होता है, एंड ग्रेनुलर सिक्रेशन, और ग्रेनुलर सिक्रेशन को रिड्यूस करती है। ये क्या है अपनी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है, नर्व सप्लाई है किसकी, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी क्या है ये जो अपना ब्लू है वो क्या है पैरासिंपैथेटिक है, ठीक है, और जो रेड है वो क्या है सिंपैथेटिक है।
तो जो रेड है सारा का सारा कहाँ पे जा रहा है, लंबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लंबर और जो अपना थोरेसिक रीजन है वहीं पे क्या है सारा का सारा जा रहा है। देन आफ्टर क्या आती है अपनी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कितने टाइप से होती है, किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई होती है तो वो दो टाइप से होती है। सबसे पहले क्या होता है वहां पे आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है, देन आफ्टर क्या होता है वहां पे वीनस ड्रेनेज होता है। आर्टरियल ब्लड सप्लाई के अंदर क्या होता है, जो अपना ब्लड है उसके साथ क्या है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और जो अपनी वीनस ड्रेनेज होता है, वीनस ड्रेनेज के अंदर क्या होता है वहां पे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहां से आता है, जो हार्मफुल गैसेज हैं वो आती हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स सिक्रेशन हुए कोई, वो वहां से क्या है रिटर्न में आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन आर्टरियल ब्लड सप्लाई की, तो थोरेक्स के अंदर क्या है, इन द थोरेक्स द इसोफेगस इज सप्लाई बाई पेड इसोफिजियल आर्टरी, यानी कि जो अपनी इसोफेगस है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, इसोफिजियल आर्टरी करती है, ठीक है। जो इसोफिजियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द थोरेसिक आयोटा, जो किसकी ब्रांच है थोरेसिक आयोटा की क्या है ब्रांच है। देन आफ्टर अपना क्या आता है अब्डोमन एंड पेल्विस, द एलिमेंट्री ट्रैक पेनक्रियाज लीवर एंड बाइलरी ट्रैक आर सप्लाइड बाय द अनपेड ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा, ठीक है। द एलिमेंट्री ट्रैक पैनक्रियाज लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट आर सप्लाई बाय द अनपेयर्ड ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा, यानी कि अनपेयर ब्रांच होती है किसकी आयोटा की, वो क्या करती है अब्डोमन एंड पेल्विस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। कौन कौन सी होती है, सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये क्या करती है अपने अब्डोमन एंड पेल्विस को ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीलिएक आर्टरी की, तो सीलिएक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, तो सीलिएक आर्टरी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। सीलिएक आर्टरी कितने ब्रांचों में डिवाइडेड है, तीन ब्रांचों के अंदर क्या है डिवाइडेड रहती है, विच सप्लाई द स्टमक ड्यूडिनम पैनक्रियाज स्प्लीन लीवर गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, जो किसको सप्लाई करती है स्टमक ड्यूडिनम पैनक्रियाज स्प्लीन लीवर गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, इनको क्या है ये ब्लड सप्लाई करती है। तो सीलिएक आर्टरी है वो कौन से तीन भागों में डिवाइड है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी, ये क्या है इसके सीलिएक आर्टरी के तीन भाग है। नेक्स्ट आती है अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में क्या होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द होल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपना जो होल जो अपना क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको करती है असेंडिंग कॉलन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन, यानी कि और ट्रांसवर्स कॉलन के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको क्या है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई। देन आफ्टर अपनी आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या करती है, सप्लाई ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन, यानी जो अपनी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है ट्रांसवर्स कॉलन के कुछ पार्ट है उनको क्या है ब्लड सप्लाई करती है, डिसेंडिंग कॉलन को, सिग्मोइड कॉलन को एंड मोस्ट ऑफ द रेक्टम, और जो अपना रेक्टम है उसको क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है। द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस आर सप्लाइड बाई द मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो डिस्टल पार्ट है किसका रेक्टम का और एनस का, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी क्या करती है उसको ब्लड सप्लाई करती है, जो किसकी ब्रांच है ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, जो क्या है अपने इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है ब्रांच होती है। नेक्स्ट है द आर्टरियल सप्लाई बाई द स्टमक एंड इंटेस्टाइन पास बिटवीन द लेयर ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द ऑर्गन, ये जो अपनी आर्टरीज है ये क्या है पास कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक पास बिटवीन द लेयर ऑफ पेरिटोनियम, जो अपने पेरिटोनियम की जो लेयर है वहां से क्या पास होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द ऑर्गन, यानी कि जो अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है वहां से और अपने जो पेरिटोनियम की जो लेयर है वहां से क्या है, ये सारी की सारी आर्टरीज सप्लाई होती है, यानी कि इनका जो वे है वो अपनी जो पेरिटोनियम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां से उन दोनों के बीच में से ही जाते हैं। देन आफ्टर अपना आता है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो अपन ने ब्लड सप्लाई कर दी थी उसके बाद में जो रिटर्न जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, अपना वीनस ड्रेनेज होता है। तो अपन ने इसको थोरेक्स और अब्डोमेन दो भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला क्या है अपना थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर ब्लड सप्लाई किसने की थी, ईसोफेजियल आर्टरी ने की थी। तो यहाँ पे क्या है, द वीनस ब्लड फ्रॉम द ईसोफेगस पास इनटू द ईसोफेजियल वेन, यानी ईसोफेजियल वेन क्या है वो क्या करेगी यहाँ पे अपना जो वीनस ड्रेनेज करेगी। The esophageal vein are divided into two subparts. जो esophageal vein है वो कितने ब्रांचों में divided है, दो ब्रांचों के अंदर क्या है divided है, कौन सी, zygous and hemizygous. zygous और hemizygous क्या है, इसके दो branches है। First आते हैं अपनी zygous vein. zygous vein joined to the superior vena cava. zygous vein कहाँ पे ज्वाइन होती है, सुपीरियर वेना केवा नियर द हार्ट, हार्ट के पास में सुपीरियर वेना केवा जो है उससे क्या है जाइगस वेन कनेक्ट रहती है। एंड हेमिजाइगस ज्वाइन टू द लेफ्ट ब्रैकियोसिफेलिक वेन, और जो हेमिजाइगस है वो किससे कनेक्ट रहती है, लेफ्ट ब्रैकियोसिफेलिक वेन जो है अपनी उससे क्या है कनेक्ट रहती है। सम ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ड्रेन इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, कुछ क्या है ईसोफेगस के क्या है पार्ट है लोअर पार्ट जो है वो किस में ड्रेन करते हैं, उसका कुछ ब्लड अपने जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वहां पे क्या है वो ब्लड को ड्रेनेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, देर आर एनास्मोटिक वेसल्स बिटवीन द जाइगस हेमिजाइगस एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इन तीनों वेन जो है जाइगस हेमिजाइगस और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये तीनों के तीनों क्या है आपस में कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि इनके आपस में क्या है कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना एब्डोमेन एंड पेल्विस, द वेन दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, द वेन दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, द स्टमक पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द रेक्टम जॉइन फ्रॉम द पोर्टल वेन, यानी कि जो अपनी पोर्टल वेन है वो क्या करती है ब्लड को रिसीव करती है कहाँ से, ईसोफेगस के लोअर पार्ट से, ठीक है, स्टमक से, पैनक्रियाज से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से एंड मोस्ट पार्ट क्या है रेक्टम के, वहां से क्या है ये अपनी ब्लड को रिसीव करती है। नेक्स्ट है द ब्लड Containing a high concentration of absorbed nutrition material is conveyed first the liver then the inferior vena cava. जो ब्लड है उसके अंदर क्या है हाई कंसेंट्रेशन होती है किसकी, अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन की, ठीक है, और ये कहाँ पे जाता है सबसे पहले अपने लीवर के पास जाता है और लीवर से कहाँ पे जाएगा ये अपने इंफीरियर वेना केवा के पास चला जाएगा। ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनल कैनाल ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक आर्टरी, जो ब्लड है किसका अपना लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम जो है उसका जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है कौन लेके जा रहा है, इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो क्या करेगी अपना जो लोअर पार्ट है रेक्टम का वो उससे ब्लड को रिसीव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस ब्लड इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा, ये सारा का सारा जो ब्लड है ये किसके पास जा रहा है डायरेक्टली किसके पास जाएगा इंफीरियर वेना केवा के पास क्या है ये डायरेक्टली जाएगा, हेंस बाईपासिंग द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि जो अपना हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है उसके द्वारा क्या है ये इंफीरियर वेना केवा के पास सारा का सारा ब्लड जो है वो डायरेक्टली चला जाएगा। देन आफ्टर अपना जो टॉपिक था वो क्या था, माउथ, ये क्या है माउथ की स्ट्रक्चर है।
माउथ के अंदर क्या अपने को टीथ दिखाई देगा, इसमें सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, फेरेंजियल आर्च है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ग्लोसल आर्ट है, आर्च है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स है, टंग दिखाई गई है और लोअर लिप्स दिखाए गए हैं। द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाई मसल्स एंड बोन। जो माउथ अपना है और ओरल कैविटी है वो किससे बाउंडेड रहती है? बाई मसल्स एंड बोन। मसल्स और बोन से क्या है? बाउंडेड रहती है। सबसे पहला क्या होता है अपना? एंटीरियरली। एंटीरियरली में क्या होता है? बाय द लिप्स। एंटीरियरली में किसके द्वारा कनेक्टेड कौन रहता है? अपने जो माउथ है उसके लिप्स। देन आफ्टर अपना आता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में कौन क्या कनेक्टेड है? इट इज कंटिन्यूस विद द ओरोफेरिंग्स। जो अपना ओरोफेरिंग्स है उससे क्या है? पोस्टीरियर भाग है वो कनेक्टेड रहता है। देन आफ्टर अपना कहता है लेटरली। लेटरली में क्या है? मसल्स ऑफ द चिक। जो अपने चिक है उसकी जो मसल्स हैं वो क्या है? अपने जो माउथ है उसके लेटरली में प्रेजेंट रहती है। देन आफ्टर अपना आता है सुपीरियरली। सुपीरियरली में क्या है? बाय द बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट। यानी कि जो अपना हार्ड पैलेट है और मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट है वो क्या है? सुपीरियरली भाग के अंदर कनेक्टेड रहता है। देन आफ्टर क्या है? इंफीरियरली। इंफीरियरली में क्या है? बाय द मसल्स टॉन्सिल एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। यानी जो अपना इंफीरियर भाग है उसके अंदर क्या है? मस्कुलर टंग एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो अपने माउथ की जो फ्लोर है वहां पे वो क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है द ओरल कैविटी इज लाइन। द ओरल कैविटी इज लाइन थ्रू आउट विच मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम कनेक्टिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। जो ओरल कैविटी है इज लाइन थ्रू आउट विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो उसकी लाइनिंग है वो किसकी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। कंसिस्ट ऑफ सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। किससे बनी रहती है? स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके क्या बनी रहती है? बनी रहती है, ठीक है। कनेक्ट किससे रहती है? जो अपने म्यूकस सिक्रेट करती है उन ग्लैंड से क्या है? कनेक्ट रहती है। तो अगर अपन ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी किससे कनेक्ट रहती है? स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड से क्या है? कनेक्ट रहती है, ठीक है। और बनती किससे है? स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके बनती है। लाइनिंग किसकी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या है? लाइनिंग होती है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम एंड चिक इज द वेस्टिबल एंड रिमाइंडर ऑफ द कैविटी इज द माउथ प्रॉपर। गम्स क्या होते हैं? जो अपने मसूड़े जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? गम्स बोलते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चिक एंड द लिप इज रिफ्लेक्टेड ऑन द गम्स और एलवेयर राइज एंड कंटिन्यूस विद द स्किन ऑफ द फेस। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द चिक। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या किसके साथ लाइनिंग होती है? चिक्स एंड द लिप्स इज रिफ्लेक्टेड ऑन द गम्स। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? जो अपने मसूडे हैं उनको क्या है? रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड एलवेयर राइज एंड कंटिन्यूस विद द स्किन ऑफ द फेस। कंटिन्यूस किससे रहते हैं? अपने जो अपने फेस की स्किन है उससे क्या है? वो कंटिन्यूस रहते हैं। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टंग। टंग के अंदर क्या है? इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग दिखाया गया है, फेरिनम दिखाया गया है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दिखाया गया है और लोअर लिप्स दिखाई गई हैं। ये क्या है अपनी? टंग। टंग क्या है? एक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो कहां पे प्रेजेंट होती है? फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग क्या है? एक
वॉलेंट्री क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। इट इज अटैच बाय द बाय इट्स बेस टू हायोड बोन एंड बाय ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फेरिनम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये किससे अटैच रहती है, बाय द बेस ऑफ हायोड बोन, जो अपनी हायोड बोन है उसका जो बेस है उससे क्या है ये कनेक्ट रहती है, ठीक है। एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग, जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी क्या है इस पे कवरिंग रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिनम बोलते हैं। टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपनी माउथ की जो फ्लोर है वहां पे क्या है रहती है कवरिंग। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्टिफाइड स्क्यूमस एपिथिलियम विद न्यूमेरियस टाइटल प्रोजेक्शन कनेक्टिंग नर्व एंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट समटाइम कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या है। दोबारा से अगर अपन एक बार इसको देखें तो टंग क्या है, अपनी एक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कहाँ पे ऑक्यूपाइज रहती है, फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपनी माउथ की जो फ्लोर है उस पे क्या है ऑक्यूपाइज रहती है, ठीक है। इट इज अटैच्ड बाई इट बेस टू हायोड बोन, किससे अटैच रहती है ये, अपनी जो हायोड बोन है उससे क्या है अटैच रहती है। एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग, इस पे क्या है जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी क्या है कवरिंग रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिनम बोलते हैं। टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, जो सुपीरियर सरफेस है वो किससे मिलकर बनी रहती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलकर क्या है बनी रहती है। विच न्यूमेरियस लिटिल प्रोजेक्शन कनेक्टिंग नर्व एंड, जो इसके छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन है वो किससे कनेक्ट रहते हैं, नर्व एंडिंग जो उनकी किससे कनेक्ट रहती है, अपनी जो सेंस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट है उस वो क्या है, यहाँ पे टेस्ट का सेंसेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स भी अपन इसको बोलते हैं। देन आफ्टर अपनी आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले क्या होती है, आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय द लिंगल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है टंग को। तो ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके कौन आता है, जो अपनी लिंग द मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द टंग बाय द लिंगल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। देन आफ्टर क्या आता है, वीनस ड्रेनेज। रिटर्न कौन लेके जाता है, द वीनस ड्रेनेज इज बाय द लिंगल वेन विच जॉइन द इंटरनल जुगलार वेन, जो अपनी लिंगुअल वेन है वो क्या करेगी, यहाँ से वीनस को ब्लड को रिटर्न लेके जाएगी और ब्लड को रिसीव करेगी और कहाँ पे ले जाके छोड़ देगी, इंटरनल जुगलार वेन जो है उसके पास ले जाके छोड़ देगी। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है टंग को, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और जो अपना वीनस रिटर्न कौन लेके आता है, जो अपने लिंगुअल वेन है वो क्या है लेके आती है, और किसके साथ जॉइंट होती है, वो इंटरनल जुगलार वेन के साथ क्या है कनेक्ट रहती है। देन आफ्टर क्या आती है इसकी, नर्व सप्लाई।
तो नर्व सप्लाई में कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? द हाइपोग्लोसल नर्व फर्स्ट कौन सी होती है अपनी? हाइपोग्लोसल नर्व जो क्या है अपनी 12 क्रैनियल नर्व होती है विच सप्लाई द वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू। ठीक है, जो किसको नर्व सप्लाई करती है? वॉलेंट्री मसल्स जो अपनी टिश्यू की, उसको क्या है? नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपनी लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। सेकेंड क्या है? जो अपनी लिंगुअल ब्रांच है किसकी? मैंडिबुलर नर्व की, वो नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, वो क्या करती है? सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर, टच, इन सब के बारे में कौन अपने को फील कराता है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। देन आफ्टर अपनी थर्ड कौन सी है? फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो क्या अपनी सेवंथ एंड नाइन्थ क्रैनियल नर्व होती है। ठीक है, जो अपने को क्या करती है? स्पेशल सेंसेस कराती है किसका? टेस्ट का। तो नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो नर्व सप्लाई कौन कराता है? तीन टाइप की क्या है यहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं अपने को नर्व सप्लाई कराती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई करती हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी है? 12th क्रेनियल नर्व जो है वो क्या है अपनी? हाइपोग्लोसल नर्व होती है विच सप्लाई द वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू, जो अपने वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू उनको क्या है वो नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, सेकेंड क्या है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, जो अपनी लिंगुअल ब्रांच है किसकी? मैंडिबुलर नर्व की। ठीक है, वो क्या करती है? विच आर द नर्व ऑफ सोमेटिक सेंसेशन, वो क्या है अपनी सोमेटिक सेंसेशन की क्या है नर्व होती है, जो क्या करती है अपने को पेन, टेम्परेचर एंड टच, इनके बारे में क्या है अपने को सेंसेशन कराती है। देन आफ्टर क्या है अपनी फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की कौन सी होती है अपनी? सेवंथ एंड नाइन्थ नंबर की क्या है क्रेनियल नर्व है, वो क्या है अपनी फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, जो क्या करती है अपने को स्पेशल सेंसेस प्रोवाइड कराती है किसके अंदर? टेस्ट के अंदर। देन आफ्टर अपना क्या है? फंक्शन ऑफ द टंग। टंग के कौन से फंक्शन है? चबाने में, ठीक है, हेल्पफुल है, निगलने में, बोलने में, टेस्ट में। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है अपने टंग के फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास जो अपनी वो किस पे होगी? नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो रहेगा टीथ। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कल अपन डिस्कस करेंगे कि किस पे टिथ। टिथ क्या है? टिथ को अपन ने अभी पढ़ा था लास्ट टाइम। तो टिथ क्या करता है? जो अपना डाइजेशन है उसके अंदर क्या करता है? टिथ मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है? टिथ अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि जो अपना टिथ जो है वो क्या करता है? जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है? टिथ के द्वारा कंप्लीट होता है।